उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने 16 मामलों की सुनवाई की, जिनमें से कई मामले ऐसे थे जो काफी समय से लंबित चल रहे थे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला विपक्षियों पर भी तंज कसने से नहीं चूके। कोरोना काल के लंबे दौर के बाद लगभग एक साल बाद फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की। इस बैठक में आम जनमानस की समस्याओं को सुना गया, लगभग 16 शिकायतों को सुना गया। इस बैठक में आम जनमानस की अलग अलग 16 शिकायतों पर विचार किया गया। इनमें से कुछ ऐसी शिकायतें भी थीं जो पिछले लंबे समय से लंबित हैं। कुछ मामलों में कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन कुछ शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। हरियाणा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बजट सत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। सरकार ग्लोबल सिटी से लेकर पंचग्राम योजना और खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान करेगी। सरकार बजट ला रही है और बिल्कुल उसके अंदर ऐतिहासिक कदम उठाए। कैसा बजट होगा सर इस बार का? मैं ये मानता हूँ कि कोविड के बावजूद भी हरियाणा उन राज्यों में से है जो GST कलेक्शन में भी, रेवेन्यू कलेक्शन में भी, एक्साइज कलेक्शन में भी, माइनिंग कलेक्शन में भी पॉजिटिव रहा है सर किसान। और मैं ये मानता हूँ कि इस पूरी ग्रोथ के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कोविड के कारण आगे नहीं जा पाए, पेंडिंग है, उनको टेकअप किया जाएगा। साथ में एक बहुत लंबा पेंडिंग प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी का, जो पहले SEZ के लिए रिलायंस को जमीन दी गई थी, उसके अंदर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बजट में ग्लोबल सिटी की डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू हो। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत है, पहले भूपेंद्र हुड्डा अपनी पार्टी का विश्वास हासिल कर ले। भूपेंद्र हुड्डा जी अगर चाहते है तो विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाए तो हम उनका स्वागत करते हैं, मगर पहले वो अपनी पार्टी का तो विश्वास अपने पक्ष में कर ले। जिस तरह से कांग्रेस की हालात है, मुझे लगता है कि थोड़े दिन के अंदर यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा सरकार के विरुद्ध तो अविश्वास छोड़ते हुए सोनिया गांधी के विरुद्ध जरूर अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस में। बजट सत्र से पहले दुष्यंत चौटाला विपक्षियों पर तंज कसते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बजट सत्र के दौरान वो विरोधियों के सवालों का जवाब किस तरह देते हैं।